हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। अब हम इस वीडियो लेक्चर में एक लॉजिकली प्रश्न आपके साथ शेयर कर रहे हैं। सबसे पहले आप ये बताएं कि जब आप कभी मार्केट में जाते हैं तो आप दुकानदार से बस एक प्रश्न करते हैं कि एक दर्जन केला दीजिए। वह एक दर्जन केला किसको इंडिकेट करता है? आप सभी समझ सकते हैं, नंबर को इंडिकेट करता है, जिसको आप जानते होंगे एक दर्जन में 12 केले होते हैं, जिसको आप बनाना बोलते हैं। फिर आप मार्केट में क्या बोल रहे हैं कि आप दुकानदार से बोल रहे हैं मुझे 1 kg चीनी दीजिए, दैट इज शुगर। तो वह 1 kg शुगर किसको इंडिकेट कर रहा है? वेट को इंडिकेट कर रहा है। आप उसी किसी दुकानदार से फिर कह रहे हैं कि मुझे 2 लीटर मिल्क दीजिए, दूध दीजिए। तो ये दूध या मिल्क किसको इंडिकेट कर रहा है? वैल्यूम को इंडिकेट कर रहा है। ये तो शायद आप समझ पा रहे हैं, लेकिन केमिस्ट्री भाषा में इन्हीं चीजों को एक शॉर्ट लैंग्वेज में, केमिस्ट्री भाषा में पढ़ा जाता है, जिसका नाम होता है मोल। मोल अगर यही मार्केट में आ जाए, आप जाकर आप बस इतना आवाज दे कि मुझे 1 मोल केला चाहिए, मुझे 1 मोल चीनी चाहिए, मुझे 1 मोल मिल्क चाहिए, तो दुकानदार आपको पागल घोषित कर देगा। लेकिन केमिस्ट्री आपको क्या कर देगी? केमिस्ट्री तो आपको बहुत कुछ सिखा देगी। मोल के बिना केमिस्ट्री तो एकदम अधूरी है, क्योंकि हम जो चीज एक पढ़ते हैं, 2 पढ़ते हैं, वह सही नहीं पढ़ते केमिस्ट्री भाषा में। केमिस्ट्री भाषा कहती है 1 मोल, 2 मोल, 3 मोल, ये चीज होती है। आखिर केमिस्ट्री भाषा में मोल है क्या? तो बस हम यही आपके साथ आज मोल कॉन्सेप्ट पर डिस्कशन करने चल रहे हैं। जैसे मोल, मैं आपसे बस यही कहूंगा, मोल को हम किसमें देख सकते हैं? नंबर में देख सकते हैं। किसमें देख सकते हैं? नंबर में। नंबर के रेफरेंस में मोल बनता है, मोल के रेफरेंस में नंबर बनता है। कैसे बनता है उस पर हम बात करेंगे। दूसरी बात हम आपके साथ ये करेंगे कि जो आपका मोल होता है, क्या होता है? मोल होता है, वह विट से रेफरेंस में भी होता है। विट से हम मोल को पढ़ेंगे, और मोल सब किसको पढ़ेंगे? वेट को पढ़ेंगे। और तीसरी बात हमारी होगी, मोल से हम किसको पढ़ेंगे? वैल्यूम को पढ़ेंगे। और वैल्यूम से हम किसको पढ़ेंगे? मोल को पढ़ेंगे। तो ये तीनों चीजों को, जो ये सब चीजें हैं, वैल्यूम, वेट, नंबर, सबको केमिस्ट्री भाषा में हम मोल से कैसे डिफाइन करेंगे? तो ये डिफाइन करने के लिए मैं आपके साथ एक पॉइंट शेयर करूंगा। एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था ओस्टवाल्ड, उन्होंने क्या कर दिया, मोल को ये माना कि मोल क्या है? यूनिट ऑफ सबस्टेंस है। और जिसको कैसे बनाया गया, कैसे देखा गया, तो उन्होंने देखा कि जो कार्बन का आइसोटोप होता है, कार्बन का आइसोटोप क्या? 12 C12 जो होता है, उस कार्बन के आइसोटोप C12 में उन्होंने देखा कि जो अब हम 12 ग्राम ले लें, कितने ग्राम, उस कार्बन के 12 का 12 ग्राम ले लें, उस 12 ग्राम में जितने नंबर्स होंगे, जितने नंबर्स होंगे वो मोल को इंडिकेट करेंगे। बताओ, इस 12 ग्राम में जो नंबर्स होंगे वो मोल को इंडिकेट करेंगे, या 12 ग्राम ही क्या शो करेगा? मोल को इंडिकेट करेगा। तो मैं एक जनरल आपको डिफिनेशन पहले शेयर कर देता हूं। ये डिफिनेशन में ये कह रहे हैं कि द नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन, 12 ग्राम ऑफ कार्बन। बताओ 12 ग्राम क्या है? वेट है कि नहीं? इसका मतलब ये 12 ग्राम से हमें मोल जानना पड़ेगा। तो आखिर ये क्या फार्मूला है जिससे हम जान जाएं कि 12 ग्राम में कितने मोल्स होते हैं? तो मोल्स ने क्या डिफाइन किया, कैसे डिफाइन किया? तो मैं आपको बस इतना बता दे रहा हूं कि मोल्स ये कहता है वेट ऑफ सबस्टेंस, ये बोलता है वेट ऑफ सबस्टेंस अपॉन मॉलिक्यूलर मास। क्या? मॉलिक्यूलर मास। ये वेट के रिस्पेक्ट में है। तो बताओ वेट कितना दिया गया? 12 ग्राम दिया गया, और जो कि रेफरेंस है मोल को डिफाइन करने का, तो 12 ग्राम। और कार्बन का जो होता है मॉलिक्यूलर मास, वो भी 12 होता है। तो बताओ यहां पर अगर हम लिखें 12 ग्राम बाई 12, 12 ग्राम वेट होता है कार्बन का, और 12 क्या होता है मॉलिक्यूलर मास, उसके रेफरेंस में हमें कितना मिल गया? 1 मोल मिल गया, नहीं बताओ? इसका मींस जो 12 ग्राम कार्बन है, उसके 12 ग्राम मतलब कार्बन 12 के 12 ग्राम में कितने मोल्स प्रेजेंट है? 1 मोल। यही रेफरेंस लिया गया है। अब तो ये बात समझ में आ गई
कि हम वेट से कैसे मोल निकाल सकते हैं, ये तो फार्मूला रहा, ये तो फार्मूला रहा, किसी भी सब्सटेंस का हम मोल निकाल सकते हैं, वो चाहे चीनी हो चाहे जो भी हो, लेकिन यहाँ पर रेफरेंस जो बनाया गया था जब डेफिनेशन बनाते वक्त, वो कार्बन का 12 ग्राम लिया गया था, किसके रेफरेंस में, कार्बन 12 के रेफरेंस में। वह फार्मूला आपके साथ शेयर करते हैं कि एक मोल में जो नंबर्स होते हैं वो कितने होते हैं, यानी पार्टिकल जिसको आप कहते हैं एग्रोडो नंबर्स। तो मोल को अगर हम नंबर में देखें तो कितने नंबर्स होते हैं, एग्रोडो नंबर वैल्यू होती है 6.02 × 10^23 पार्टिकल्स। अब वो पार्टिकल्स केमिस्ट्री भाषा में एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, प्रोटॉन हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। बताओ अगर मुझे, मैंने बोला कि मुझे एक मोल केला चाहिए, तो केमिस्ट्री भाषा में एक मोल केला का मतलब मुझे कितने केले चाहिए, 6.02 × 10^23 हमें केले चाहिए। क्या चाहिए, केले चाहिए, ये तो रहा नंबर के रेफरेंस में। मुझे हाइड्रोजन चाहिए तो मुझे इतने हाइड्रोजन चाहिए, एक मोल के रेफरेंस में इतने हाइड्रोजन होते हैं। तो बताओ मोल तो बहुत बड़ी चीज निकल गई। बताओ मैं केवल बोल रहा हूं मोल, तो बताओ मार्केट में सभी केले क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, मार्केट में इतने केले अवेलेबल नहीं हो पाएंगे, मुश्किल हो जाएगा, वो मार्केट में इतने केले होंगे नहीं। तो केमिस्ट्री तो उस पूरे मार्केट को भूचाल बचा देगी, भूचाल बचा दी, लेकिन सुनने में केवल दिखने में दिख रहा है मोल, ये छोटा सा एक वर्ड है लेकिन पूरा भूचाल बचा के रख देगा। चलो देखते हैं और ये मोल क्या कहना चाह रहा है उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। मोल तो ये तो कह दिया, वेट ऑफ सब्सटेंस अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ये तो हो गई बात, ये तो वेट से हम निकाल सकते हैं, किसी भी सब्सटेंस का वेट हो। और मॉलिक्यूलर मास आप सभी जानते हैं, वेट जो होता है गिवन डाटा होता है, मॉलिक्यूलर मास जो होता है उसका एक्चुअल फार्मूला डाटा होता है, उसके फार्मूले के अंदर होता है, उसके फार्मूले के अंदर होता है। ये हमेशा क्लियर करें। जैसे अगर मैं आपके साथ एक प्रश्न और शेयर करता हूं, एक बात और शेयर करता हूं, ये क्या कह रहा है कि अगर मुझे मोल को लीटर में इंडिकेट करना हो तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर जो गैसें होती हैं, जो गैसें होती हैं वह एक मोल में कितने वैल्यू को इंडिकेट करती हैं, 22.4 लीटर। तो कमाल हो गया कि नहीं, कमाल हो गया कि एक मोल में इतने लीटर। तो भैया आप अगर दुकानदार से कह रहे हैं मुझे एक मोल क्या चाहिए, मिल्क चाहिए, और एक लीटर मिल्क चाहिए, बात तो अजीब है, बात तो अजीब लग रही है कि नहीं, बताओ। दुकानदार पागल हो जाएगा, दुकानदार पागल हो जाएगा, ये बोलेगा कैसा आ गया हमारा कस्टमर, ये तो केमिस्ट्री वाला ही समझ सकता है कि आखिर क्या मांगना चाहता है। तो बात तो गजब की बनेगी। हम, मैं आपसे यही करूंगा, एक बार मार्केट में आप इस वर्ड का जरूर शेयर करें, इस वर्ड का जरूर इस्तेमाल करें कि मुझे एक मोल क्या चाहिए, केला चाहिए, मुझे एक मोल चीनी चाहिए, मुझे एक मोल मिल्क चाहिए। देखो भूचाल आप बचाते हैं कि नहीं, यकीन करिएगा। अगर यकीन नहीं होता तो मेरे चैनल को मत देखिएगा, उसे अनसब्सक्राइब कर देना। और अगर यकीन अगर ना हो, दुकानदार में अगर न सस्पेंशन हो, तो आप देखिएगा। अगर ये बात अच्छी लगी तो और लोगों को शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। ऐसा आपको कोई चैनल बता ही नहीं सकता आखिर क्या है, ये गारंटी देता हूं। फिर मिलूंगा, नमस्कार, टाटा, बाय बाय।